झूठ बोलो, रोज बोलो, बार बार बोलो, लोगों के दिमाग में भर दो। वो प्रधानमंत्री होते नहीं मिले, लेकिन भक्त उनको नहीं मिले, उनके झूठ को भी सच कहने की साबित कर। तो अपना पुराना चेहरा क्यों ला रहे हैं? अरे अपना पुराना चेहरा क्यों ला रहे हैं? अपना भी तो बदल दे, 75 साल का होने जा रहा है। डंका बताओ, झूठा है, डंका बज रहा है, डंका बताओ, डंका चीजा बज रहा है, गरीबों की दीवार, गरीबों की दीवारों को ढक दिया यार। डंका कौन सा है बताओ ना, बताओ। कांग्रेस का जो स्कूल बना के गई है, नहीं तो आज ना आप वोट शौचालय में डालने जाते स्कूलों की जगह। ये काम किया है मोदी जी ने। शेम ऑन यू, शेम नरेंद्र मोदी, शेम ऑन यू। जनता को उलझा दिया, जनता को उलझा दिया छोटे मुद्दों में, हिंदू मुस्लिम में। मंदिर के जाके पास बैठिए, कटोरा लीजिए, खाना भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, काम भी हो जाएगा। 4 साल वो नौकरी करेगा फौजी का, उसके बाद झाड़ू मारेगा, एक फौजी पोछा लगाएगा, शर्म नहीं आता है बोलते हुए? लाज शर्म नहीं है? बेच के खा गए हो क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित आवाज, और अभी हम हैं अशोक विहार में, और यहाँ पे राहुल गांधी की रैली चल रही है। यहाँ से जेपी अग्रवाल खड़े हैं, और जहाँ हर तरफ जीतने का दम कर रही है वहाँ राहुल गांधी भी कह रहे हैं, और यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो हम बात करेंगे उनसे। सर क्या नाम है आप? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है, मैं रामपुरा गांव का रहने वाला हूँ, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर गांव है। भाजपा कह रही है कि फिर से 7 सीट हम जीत रहे हैं। वो गलत कह रही है, गलत कह रही है। इंडिया गठबंधन जीतेगा, देश का विकास सही मायनों में आप सभी जानते हैं जो कांग्रेस ने किया, ऐसा विकास इस 10 साल में बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं। जब देश के शीर्ष नेतृत्व कह दे कि ये चीज तो जुमला है, तो कौन विश्वास करेगा उनकी बात पे? हमारे गांव में छोटी छोटी फैक्ट्रियां थी रामपुरा गांव के अंदर, जीएसटी के भारतीय जनता पार्टी का जीएसटी स्लैब आने से वो सारे व्यापारी हमारी जगह खाली, हमारी जो जगह है वो खाली करके चले गए हैं। हमने उनमें छोटे छोटे कमरे बनाए, जब यहाँ फैक्ट्रियां ही नहीं है तो हमारे कमरों को कौन किराए पे लेगा? तो हमारे दर्द को कौन जानता है? कौन भारतीय जनता पार्टी का हमारे पास आ रहा है कि आपके कमरे खाली पड़े हैं, आपके बच्चे क्या खा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? अगर बच्चे पढ़ भी लिख रहे हैं तो उन्हें नौकरी मिल रही है अग्निवीर की, जिसमें 4 साल के बाद पता नहीं कि वो बच्चे कहीं सिक्योरिटी गार्ड लगेंगे या क्या लगेंगे। आप जरा बुनियादी चीज देखिए, सुलभ शौचालय के लिए मैं अभी बता रहा हूँ, ये हमारे त्रिनगर विधानसभा के अंदर एक इंदिरा कैंप है, वहाँ शौचालय की हालत देख लीजिए आप। मोदी सरकार कहती है सभी को मूलभूत सुविधाएं, हमारे क्लस्टर एरिया में शौचालय से लेके पीने के पानी तक की मूलभूत सुविधाओं में आती है ये चीजें, कुछ भी नहीं है। आपको मैं अभी वहाँ के दिल्ली के शौचालय में दिखा रहा हूँ। तो आम आदमी पार्टी है ना 10 साल में, हाँ, तो यहाँ तो आम आदमी पार्टी भी है, उनके साथ गठबंधन है कांग्रेस का। जी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत लगे हुए 20 सीटर MCD के शौचालय आज तक बंद पड़े हैं, कभी चालू नहीं हुए मोदी सरकार के ये शौचालय। मोदी जी कह रहे हैं, कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी के रेखा से ऊपर किया है, गरीबी से बाहर निकाला है। देखो जी, मोदी जी का सबसे पहला झूठ ये है, 25 करोड़ वो और 80 करोड़ रेखा के नीचे, यानी 105 करोड़ जो है गरीब थे पहले, ये मोदी जी का झूठ है। और जैसे कि मोदी जी ने ये बोला था कि 100 स्मार्ट सिटियां बनाएंगे, एक बनाई, ये दिल्ली की कंप्लेंट कर रहे हैं अभी आपके सामने। भैया एक मिनट, ये भैया दिल्ली की कंप्लेंट कर रहे हैं जो हमारी कैपिटल है, जब उसका इतना बुरा हाल है कैपिटल का, तो एंटायर देश का क्या हाल होगा? ये कैपिटल की बात कर रहे हैं, और आप बात करो चांदनी चौक विधानसभा का, अगर डॉक्टर हर्षवर्धन ने इतना अच्छा काम किया तो मोदी ने उसका टिकट क्यों काटा? क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोई काम नहीं किया, कोरोना के अंदर लाखों लोग मर गए, कोई सुविधा नहीं थी अस्पताल। अरे वो नए चेहरों को चांस देना चाहते हैं ना, तो अपने आप पुराना चेहरा क्यों ला रहे हैं? चेहरे ला दे। अरे अपना पुराना चेहरा क्यों ला रहे हैं? अपना भी तो बदल दे, 75 साल का होने जा रहा है। सवाल पूछो। ये राहुल गांधी की आंधी है, नहीं रुकेगी आप। राहुल गांधी की आंधी है, मोदी जी कह रहे हैं कि 135 करोड़ की जो जनता है वो मेरे साथ है, इसलिए मैं आ रहा हूँ फिर से। राहुल गांधी कह रहे हैं 140 करोड़ की जनता उसके साथ है, और जितने वादे थे नरेंद्र मोदी के सारे झूठ निकले। 15 लाख कहते थे ना काला धन लाऊंगा, क्या हो गया काला धन? काले धन का क्या हुआ? 100 स्मार्ट सिटी क्या हुआ? 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? आज सारा युवा जो है बेरोजगार है। टेम्पो से धन आया राहुल गांधी के पास, कौन क्या? हाँ तो इसकी इंक्वायरी कराओ ना, इसकी इंक्वायरी कराओ CBI से, CBI से इंक्वायरी कराओ उसकी, काले धन की। इसका मतलब काला धन कहाँ पे है नरेंद्र मोदी को मालूम है, काला धन कहाँ पे इसका मतलब मालूम है नरेंद्र मोदी को। अडानी अंबानी ने जो भेजा है
सीबीआई इंक्वायरी कराओ, भेजो ना ईडी। अच्छा अच्छा मोदी जी भाषण में लगातार कह रहे हैं, आपने उनके भाषण सुनोगे, पूरे विश्व में देश का डंका बज रहा है, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, जर्मनी में, लंदन में, हर जगह जो है डंका ही डंका। आप सुनिए सुनिए सुनिए, आपकी मीडिया में 156वां नंबर है हमारा, 156 आपकी मीडिया में जो आप काम करते हैं, विश्व की मीडिया में, विश्व मीडिया में 156वां नंबर है, भुखमरी के अंदर 124वां नंबर है हमारा, भुखमरी के अंदर डंका बजने में क्या कहेंगे, डंका बताओ ना। वो मोदी जी कह रहे हैं कि झूठा है, भुखमरी के बेरोजगारी में डंका बज रहा है, डंका बताओ कौन सा डंका चीज बज रहा है, जब विदेश से आते हैं गरीबों की दीवारों को ढक दिया भैया, डंका कौन सा है बताओ ना। भुखमरी में 124वां नंबर, मीडिया में 156वां नंबर, अभी अभी जो पासपोर्ट की है ना उसकी वैल्यू हुई है, पासपोर्ट फ्रांस नंबर वन हो गया, हमारा 140वां नंबर हो गया, 140। अच्छा मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि हमने जो देश की अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व में चौथे नंबर पे लाके खड़ी कर दी है, मोदी जी सांस लगाने, एक मिनट मोदी जी सांस लगाने पे टैक्स लगा दे, एक नंबर हो जाएगी हमारी अर्थव्यवस्था, हर चीज में जीएसटी लगा दी। और सुनिए एक मिनट सुनिए, आप हीरा देखिए, एक बड़े काम की बात सुनिए, हीरा के ऊपर, हीरा अगर आप परचेस करेंगे 3% जीएसटी, और आप गरीब छात्रों के उसमें भरोगे 18%, अगर आप एजुकेशन में कोई चीज खरीदते हैं 18%, हीरा खरीदोगे 3%, और अगर आप एजुकेशन की कोई चीज किताब खरीदोगे 18% जीएसटी। शेम ऑन यू, शेम नरेंद्र मोदी, शेम ऑन यू। हम महिलाओं से बात कर लेते हैं, आप लोग यही रहे, कांग्रेस मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो मंगलसूत्र छीन लेगी, आप यहाँ आई हैं भाई सर, ये बात है, उसने कुछ नहीं करा गरीबों को जब बना तो आम आदमी मंगलसूत्र खरीद ही नहीं सकता, इतना सोने का रेट बढ़ा दिया है, पब्लिक पहन लिया, ये कितनी है लग बताइए, क्या सोना आम आदमी खरीद सकता है, आमदनी बढ़ा दी है उन्होंने, साफ कर रहे हैं, बड़ी नहीं है क्या, बड़ी आमदनी उनका कहना है, बढ़ा दी अडानी अंबानी की, गरीब तो घूम रहे सड़कों पर, अडानी अंबानी कर रहे हैं काम, जनता को उलझा दिया, जनता को उलझा दिया छोटे मुद्दों में, हिंदू मुस्लिम में, और बिजनेसमैन को कह दिया तू कमा। अच्छा अच्छा राहुल गांधी सामने खड़े हैं, अमेठी से वायनाड गए, वायनाड से रायबरेली, और अब वो कह रहे हैं कि अब ये इटली चले जाएंगे, इटली तो जाएंगे उनके चाहने वाले घूमने के लिए, ये तो यही रहेंगे इनकी मांग। देश के प्रधानमंत्री को इतना तो समझ में आया है कि चार फेज हो चुके हैं, तो चार फेज में उनकी शक्ल और उनका उनका वैल्यू, पहले फेज में 102 कंस्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन हुआ तभी उनको पता लगा, अगर कल होने वाले इलेक्शन में अगर जम्मू कश्मीर में उनको अगर कोई डिपॉजिट गायब नहीं होगा तो देख लिए, जम्मू कश्मीर चुनाव नहीं लड़ रही हो लोग, सुनो चुनाव किस लिए नहीं लड़ रहे, सोच लो आप, 370 क्या चीज है, 3 साल का नाटक क्या चीज है, महबूबाबाजी से सरकार चलाया गया है तो क्यों इलेक्शन नहीं लड़ रहे, और आपकी आपकी हालत महाराष्ट्र में क्या है, आपकी हालत जब बिहार में अभी 5 कंस्टिट्यूएंसी में इलेक्शन होने वाला है वहां पर आपकी हालत क्या है, उत्तर प्रदेश में ही आपकी हालत ढीली हो चुकी है, समाजवादी और कांग्रेस कितनी सीटें लाएंगे, यूपी में कितनी सीटें लाएंगे आप लोग, हम कंप्लीटली 78 सीट्स इंडिया गठबंधन लाएगा, भारतीय जनता पार्टी टोटली खत्म हो चुकी है, ये आप जान के रहो, और कभी भी झूठ भारतीय जनता पार्टी के बारे में से देना ये भूल जाओ, आज आप हिंदुस्तान की, एक सवाल सुन ले, एक सवाल, मोदी जी ने 2 दिन पहले कहा है कि मैंने अपने पूरे जीवन में कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया है, और अगर कभी ऐसा करूंगा तो मैं पब्लिक जीवन जीना छोड़ दूंगा, अगर ये शर्म की बात है, तबलीगी क्या चीज है, ये तबलीगी क्या चीज है, कोविड-19 क्या चीज है, ये देश के हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, इसमें मंगल सूत्र क्यों बोलते हैं देश के प्रधानमंत्री, मंगल सूत्र क्या चीज है, उनके माता के गले में भी मंगल सूत्र रहता है, जैसे तब है उनके घरवाली के पास भी मंगल सूत्र रहता है, उसके बारे में गलत टिप्पणी देश के प्रधानमंत्री क्यों बोले, तो कोविड-19 के पीरियड में सीए क्या चीज है, आप क्यों ऐसा गलत क्यों बोलते हो, सीए के टाइम पे मुसलमान भाइयों को कितनी उनकी इज्जत निकाली गई है, तुम इस देश के रहने वाले नहीं है, उनके माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट बताइए,
और पिताजी का फोर फादर्स का सर्टिफिकेट। एक मिनट सर, एक मिनट, चलिए आपने बहुत कुछ आप झूठ बोलते हैं, ये बताइए। मैं आपको इसके ये गोदी मीडिया से यही बोलना चाहता हूँ, तो आपको इस देश से कोई मतलब नहीं है, देश से मतलब कोई कोई नहीं है। देश में आज कितनी जनता मर चुकी है कोविड-19 पीरियड में, फिर कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद में अभी इस टाइम पे उसकी क्या साजिश करी देश के प्रधानमंत्री ने? आपको कुछ पता लग गया इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के ऊपर? आपको कुछ पता लगा ये? और देश के प्रधानमंत्री 500,000 की नोट में चोरी किया गया है, अडानी अंबानी को ये पैसा दे दी जा रहा है, ये सब चोरी है, हाई रेट्स किया जा रहा है, इस पे टैक्स किसको जा रहा है? देश के डेवलपमेंट में जा रहा है ना तो अडानी अंबानी को जा रहा है? LIC चोरी हुई और बैंक लूटी गई, ये सब चोरियां है। चलिए ठीक है, हमने आपसे बात क्यों समझ में नहीं आ रहा? नहीं, हम सबसे बात कर रहे हैं, महिलाओं से बात कर ले तो थोड़ा। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला गैस योजना दिया है तो महंगाई कम की है उज्ज्वला गैस योजना। उसने कुछ नहीं करा सर, उसने बोला था जब बनने से पहले के गरीब लोगों को मकान दिवाऊंगा, कुछ भी नहीं किया। मकान नहीं दिया है, कुछ भी गैस नहीं दिया है, गैस सिलेंडर तो क्या पेट भरेगा ये बताओ? और कुछ नहीं चाहिए, सब चीज पे महंगाई कर दी, सब चीज पे। पहले इतनी नहीं थी जो इतनी अब कर दी, अब ज्यादा कर दिया। लेकिन सर क्या कहेंगे, दो दिन पहले उन्होंने कहा कि पूरे जीवन में मैंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया और अगर कभी ऐसा करता हूँ तो पब्लिक लाइफ जीना छोड़ दूंगा। अब ज्यादा कर दिया, झूठ बोलो, रोज बोलो, बार बार बोलो, लोगों के दिमाग में भर दो। वो प्रधानमंत्री होते नहीं बोले, लेकिन भक्त उनको असली मिले, उनके झूठ को भी सच कहने की साबित कर रहे हैं। उनका काम कर दिया, झूठ बोला। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री झूठ में माहिर हैं। जैसे शाहरुख खान को एक्टिंग का अवार्ड दिया गया, ऐसे झूठ का अवार्ड हमारे प्रधानमंत्री को दिया जाए। क्या झूठ बोले बताइए? बिल्कुल सिंपल सा झूठ बोला उन्होंने। क्या बोले? कि 15 लाख रुपए, एक मिनट सर, 15 लाख रुपए हमारे हर भाई के अकाउंट में आएंगे। चलो चलो कोई बात नहीं, वो एक मिनट सर, 15,000 कमाने वाले के 15 लाख रुपए आएंगे, शायद वो शौक से पागल ना हो जाता इस मानव करा रही। हमारे मोदी जी ने कहा 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कितनी 100, अगर हम 100 का वादा कर रहे हैं तो एक 100 में 2 शून्य का आप 1 उसे बना सकते थे। क्या हमारा देश इतना गरीब है? हमारे देश में कोई विज्ञान ही नहीं है, हमारे देश में से संविधान नहीं है, कुछ क्या नहीं है हमारे देश में, जो एक स्मार्ट सिटी नहीं बना पाया हम 10 साल के अंदर। शौचालय बनाए, समाज वो तो अच्छी बात है ना, साफ सुथरा काम किया। और देखो दूसरी बात, भलाओ कांग्रेस का जो स्कूल बना के गई है, नहीं तो आज ना आप वोट शौचालय में डालने जाते स्कूलों की जगह। ये काम किया है मोदी जी ने, क्या पूछना चाहते हैं? 10 साल में कोई काम नहीं किया। आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है आप बताएं? देखिए आप जनता है ना, आप बताएंगे, हम तो क्या, आप भी तो मीडिया हो, हमारा काम पूछना है। 10 साल में कोई काम कुछ भी ऐसा गिनवा दो, हमें गिनवा दो। महंगाई, हिंदू मुस्लिम, बेरोजगारी। हिंदू मुस्लिम तो वो करते नहीं, उन्होंने 2 दिन पहले बोला है कि मैंने पूरे जीवन में कभी आज तक किया ही नहीं। राहुल गांधी जी खड़े होते तो ठूस देते मुंह में माइक लेके, मोदी जी के मुंह में नहीं ठूसा जाता। डर लगता है क्या तुमको? नहीं डर लगता है? हमसे पूछ रहे हो, राहुल जी से पूछते हो? मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा तो हमने आपको बताया कि वो बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं। हम जो कह रहे हैं वो नहीं समझ आ रहा आपको? नहीं आप बताइए ना, थाली में खाता वो थाली थोड़ा ना चेक करना है। आप बताइए ना, डर लगता है? या हम ये कहे के फोन पे आ गया क्या? वो बोल रहे हैं कि हमने रोजगार बहुत दिया है, गिनवाइए कि हमने अग्निवीर योजना, अग्निवीर योजना किया, अग्निवीर है। वो बड़े शर्म की बात है, डूब के मर जाओ, ये गोदी मीडिया डूब के मर जाए। अग्निवीर का मतलब जानते हैं? लड़का, उसका माँ बाप मेहनत मजदूरी करके, अपना खून पसीना करके, भूखा पेट रख के बच्चा को पढ़ाया, फौजी का इंटरव्यू दिया, लड़का फौजी का इंटरव्यू पास करा, जब जाने लगा तो कहते जी क्या बोला था आपने, अग्निवीर। हाँ अग्निवीर, यानी कि 4 साल वो नौकरी करेगा फौजी का, उसके बाद झाड़ू मारेगा। क्या बोले थे उनके सांसद? क्या हमारे यहाँ पोछा लगाएगा, एक फौजी पोछा लगाएगा, शर्म नहीं आता है बोलते हुए? राज शर्म नहीं है, बेच के खा गए हो क्या? अच्छा ये बताइए कि देश आगे बढ़ गया है, बहुत आगे बढ़ गया। हाँ मतलब ओ हम भूल गए थे। अरे नहीं नहीं याद हो,
यार भूल गया, विश्व में डंका बज रहा है। नहीं नहीं, अरे रुकिए, अरे बुलेट ट्रेन आया था ना, जब तो देश आगे हो गया। अच्छा, उसको ऐसा लगा देश आगे। भूल गए क्या? बुलेट ट्रेन आया था, देश आगे हो गया है। अपनों में, हाँ, अपनों में राम मंदिर भी तो बनाए हैं। बड़ा अच्छा बात कहे आप, तो राम मंदिर ही तो बनाए हैं। राम मंदिर बनाए ना, तो अच्छी बात है, राम मंदिर बनाए। हाँ भाई, आप एक बात बताओ, पढ़े लिख के कमा खाओगे, राम मंदिर के आगे बैठ के कमा के खाओगे? भक्ति जो है, राम मंदिर में, हाँ बताइए, मांगने से इतना नोट मिलेंगे, मेहनत रेडी लगाने से 400-500 रुपए मिलेंगे, बात खत्म। दिए वो तो कह रहे हैं ना, आप इधर सुनो, वो कह रहे हैं, आज बैठेंगे तो बता रहे ना आपको। हमसे पूछिए ना, राम मंदिर में हम आपसे पूछ रहे हैं, आप कैमरा लेके क्यों घूम रहे हो? मंदिर के नीचे बैठ जाओ। नहीं 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 भाई, पूजा भी हो जाएगी, आस्था भी हो जाएगी और खाने को भी मिल जाएगा, इससे अच्छा काम क्या है? क्यों घूम रहे हो आप लोग, क्यों कैमरा लेके घूम रहे हो, क्यों बटोर रहे हो TRP? आप मंदिर के जाके पास बैठिए, कटोरा लीजिए, खाना भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा और काम भी हो जाएगा। अच्छा, एक आपने उनका और सुना होगा, क्या सुना? नहीं, हम बताते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार राहुल गांधी जी आते हैं तो अगर आपके पास दो भैंस है तो एक भैंस ले लेगी। हाँ, 200 ले लेंगे, 200 छोड़ दिया। मोदी जी ने क्या छोड़ दिया?